कालरात्रि की पूजा करेंगे। माता कालरात्रि अर्थात माता आदि शक्ति की वो रूप जो काल अर्थात मृत्यु को अपने वश में करने में समर्थ है। इस रूप में माता संसार को स्त्री की इच्छा शक्ति का परिचय देती है और ये दर्शाती है कि स्त्री शक्ति भक्ति एवं तपोबल से अपने परिवार पर आए किसी भी संकट को दूर करने में सक्षम होती है। फिर वो संकट मृत्यु ही क्यों ना हो। किंतु माता का कालरात्रि स्वरूप अत्यंत भयंकर भी है। इनके शरीर का रंग गहन अंधकार के समान काला है। शीश के केश बिखरे हुए हैं और इनके कंठ में विद्युत समान चमकीली माला स्थित है। माता के तीन नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड के प्रतीक के समान गोलाकार हैं। प्रत्येक नेत्र से विद्युत समान चमकीली प्रकाश किरणें प्रस्फुटित होती हैं। इनकी नासिका से श्वास प्रवाह के स्थान पर भयंकर अग्नि के समान ज्वालाएं प्रवाहित होती हैं और इनका वाहन गर्दभ है। इनके चार हाथ हैं। दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ वर मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोह कंटक और नीचे वाले हाथ में खड़ग रहता है। माता काल रात्रि अज्ञानता रूपी बुराई का विनाश करती है और अपने भक्तों को वो शांति स्थिरता एवं साहस प्रदान करती है। स्वरूप से भयंकर प्रतीत होने वाली माता कालरात्रि की पूजा का फल सदैव शुभ होता है, इसीलिए इनका एक नाम शुभकारी भी है। अब तक माता के नौ रूपों की कथा में आपने जाना कि माता ने शैलपुत्री रूप में महाराज हिमावन के यहाँ जन्म लिया, फिर ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर तप कर महादेव को वर रूप में पाकर उनसे विवाह किया, फिर चंद्रघंटा रूप में घंटनाद से बुरी शक्तियों का नाश किया कैलाश और अपने स्वामी की कुशलता को सुनिश्चित किया। माता कुष्मांडा स्वरूप में माता ही संसार की प्राण शक्ति होती हैं और उनके स्मित हास्य से ब्रह्मांड का जन्म होता है। स्कंद माता रूप में माता ने कुमार कार्तिकेय एवं गणेश जी को संस्कार प्रदान किए। जिस प्रकार एक नारी अपने गृह में अनुशासन एवं समय का महत्व समय समय पर सबको ज्ञात कराती रहती है और अपने क्रियाकलापों से सभी को संचालित करती है, उसी प्रकार माता कालरात्रि हमें समय का ज्ञान देकर समय पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देकर हमें अनुशासित करती है। माता के इस स्वरूप का प्रादुर्भाव तो इस कल्प में आगे चलकर होगा और तभी संसार को माता की कथा का ज्ञान भी होगा। किंतु ब्राह्मण देवता, आपने ये नहीं बताया कि माता कालरात्रि के जाप से उनकी प्रार्थना से कौन सा चक्र जागृत होता है? महाराज, अंतिम चक्र अर्थात सहस्रार चक्र तभी जागृत हो सकता है जब आप माता की शेष नवरात्रि कथा का श्रवण करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी महाराज। मैं और भैया भी तो उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आपके समस्त चक्र जागृत हो जाएंगे और आप समझ सकेंगे कि पिताश्री का काशी लौटना कितना आवश्यक है। आज नवरात्रि का अष्टम दिवस है। आज हम माता महागौरी रूप की कथा कहेंगे। माता महागौरी, हम माता के इस रूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हैं ब्राह्मण देवता। गौर अर्थात स्वर्ण, माता का ये अद्भुत और सुंदर स्वरूप स्वर्णिम आभा से सुशोभित है। श्वेता
समय की है जब माता पार्वती गणेश जी को उत्पन्न कर मातृत्व का सुख प्राप्त कर चुकी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, पुत्र, माँ मैं अपनी पूजा संपन्न कर चुका हूँ, किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। पुत्र, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करती। चा और जाकर अपने भ्राता को भी बुला लो, तो अभी अभ्यास कर रहा होगा। माता तो पूर्ण रूप से अपनी गृहस्थी की देखरेख में मग्न हो गई थी। महादेव के साथ अपने पुत्रों के सुख का ध्यान रखने के साथ कैलाश को सुव्यवस्थित रखने में मग्न थी वो। नाथ, देवी पार्वती को इतनी कुशलता से अपनी गृहस्थी संभालते देखकर देवी मैना और महाराज हिमावन को अपनी पुत्री पर कितना गर्व होगा ना? क्या हुआ नाथ? मेरे शब्दों का श्रवण कर आप इतने चिंतित क्यों हो गए? प्रिय देवी पार्वती, गृहिणी का कर्तव्य तो बड़ी कुशलता से निभा रही हैं, किंतु मुझे आशंका है कि वो इस साधारण दिनचर्या में कहीं इतनी तल्लीन तो नहीं हो गई हैं कि अपना वास्तविक परिचय ही भूल गई हैं। उन्हें इस बात का भी स्मरण नहीं कि वो वास्तव में कौन है। यह सत्य है कि वो एक पुत्री होने के साथ साथ एक पत्नी भी है और एक माता भी है, किंतु इससे भी पूर्व वो देवी आदि शक्ति हैं। देवी पार्वती को उनके वास्तविक अस्तित्व का स्मरण कराने का समय आ गया है। आप उन्हें यह स्मरण कराएंगे? नहीं, यदि इसमें मुझसे तनिक भी त्रुटि हो गई तो मैं देवी आदि शक्ति के कोप को सह नहीं सकूंगा। किंतु यदि आप सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव इसमें अपनी असमर्थता जता रहे हैं, तो फिर अत्यंत कठिन कार्य को करने में भला कौन समर्थ होगा? और कौन, ये तो स्वयं भोलेनाथ महादेव को ही करना होगा। महादेव, क्या हुआ ब्रह्मदेव? किस चिंता ने आपको यहां आने पर विवश कर दिया? महादेव, जगत कल्याण हेतु अब वो समय आ गया है जब देवी पार्वती को अपने देवी महागौरी रूप में प्रकट हो जाना चाहिए। ब्रह्मदेव, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि देवी आदि शक्ति अपना दिव्य स्वरूप किसी कारणवश ही प्रकट करती हैं। जैसे यदि सृष्टि पर किसी असुर का आतंक छाया हो या उनकी संतानें किसी बड़ी संकट में हो आती, तब ऐसा एक कारण आपको ही उत्पन्न करना होगा महादेव। देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम गई हैं कि वो ये भी भूल गई हैं कि उनका दिव्य स्वरूप क्या है, इसीलिए किसी प्रकार उनमें उत्तेजना उत्पन्न नहीं होगी। उनमें अपने दिव्य स्वरूप को धारण करने की इच्छा भी जागृत नहीं होगी। ब्रह्मदेव, स्पष्ट कहिए आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? क्या हुआ माता, आप अचानक इतनी विचलित क्यों हो गईं?
ब्राह्मण देवता इतनी कठोर तपस्या कर माता ने पति रूप में महादेव का सानिध्य प्राप्त किया और फिर संतान प्राप्ति के मार्ग में भी उन्होंने इतनी बाधाओं का सामना किया। और अब जब माता को कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के रूप में संतान सुख की प्राप्ति हुई और उनका जीवन एक पूर्णता प्राप्त कर चुका था, तो उनके द्वारा एक गृहिणी के दायित्व को निभाने में अनुचित क्या था? माता, इसमें तो कुछ भी अनुचित नहीं है। वैसे भी एक गृहिणी का कर्तव्य तो अत्यंत कठिन होता है, किंतु सत्य तो ये भी है कि माता जगत जननी है, माता आदि शक्ति है, और उनकी दया दृष्टि एवं स्नेह की आवश्यकता तो इस संपूर्ण संसार को है। समय समय पर दुष्ट शिक्षण एवं शिष्ट रक्षण हेतु माता को अपने दिव्य रूपों में प्रकट होना अनिवार्य होता है। सृष्टि को माता की आवश्यकता थी, क्योंकि साधकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त करने में एकमात्र माता ही सक्षम थी, और ये साधक इन सिद्धियों की शक्ति से ही संसार का कल्याण कर सकते थे। माता पार्वती द्वारा माता महागौरी रूप धारण करना स्त्री शक्ति की पूर्ण व्याख्या के लिए भी आवश्यक था, क्योंकि एक स्त्री के जीवन में विवाह का विशेष महत्व होते हुए भी उसका जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता। विवाह के उपरांत भी एक स्त्री परिवार की देखरेख के साथ साथ सर्व समाज के उत्थान में अपना योगदान देने में समर्थ होती है। उचित कहा ब्राह्मण देवता। तो फिर ब्रह्मदेव ने माता को प्रेरित करने हेतु कैसा कारण उत्पन्न करने का सुझाव दिया? उनके अनुसार इसका एकमात्र उपाय था महादेव द्वारा माता का अपमान। निंदा, निंदा। मैं उमा की निंदा करूं? हां महादेव, आप किसी भी प्रकार देवी पार्वती के रूप की निंदा कीजिए। ब्रह्मदेव, मेरी अर्धांगिनी है उमा, उसका रूप नहीं, उसका तो संपूर्ण प्रतिरूप दिव्यता का प्रतीक है, अति सुंदर है, उनकी शक्ति अनंत है, स्वयं प्रकृति है, और ये ज्ञात होते हुए भी आप मुझे कैसा सुझाव दे रहे हैं? मेरे कथन को अन्यथा ना ले महादेव, कदाचित हमारे पास केवल यही एक उपाय है। संसार में कल्याण हेतु आपको ये करना ही होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देवी पार्वती की निंदा करने का उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। महादेव ने माता की निंदा की, उन्होंने इस परिस्थिति को कैसे संभाला ब्राह्मण देवता? माता पार्वती को स्वयं से विलग करने का महादेव के समक्ष यही एक सर्वोत्तम उपाय शेष था, जो उन्होंने अपने अनुसार उचित आशय से किया। किंतु अगले ही क्षण उनके कहे का कुछ ऐसा परिणाम निकलेगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। फिर माता वेद माता को लौटा लाएंगी और सब कुछ पुनः कुशल हो जाएगा। तो चलो अब माता की पूजा आरंभ करने के पूर्व उनके दर्शन कर उनका आशीष प्राप्त कर लेते हैं। माता, आज हम महाराज देवोदास और महारानी सरला को आपके सप्तम रूप की कथा सुनाने जा रहे हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम ये कार्य भली भांति संपन्न कर सकें। आप हमें राजभवन लौटने की अनुमति दीजिए माता। पुत्र कार्तिक, पुत्र गणेश, वहां जाने के पूर्व ऋषि जयगस्वे से भेंट कर उनके कुशल का ज्ञात अवश्य कर लेना। जो आ गया माता। गणेश, ऋषिवर की नाड़ी में स्पंदन तो है किंतु अत्यंत मध्यम। Oh, the Rayana.
ये उचित किया गणेश, ऋषिवर के भीतर प्राण शक्ति का संचार कर, जिससे उनके नाड़ी के स्पंदन में अब वृद्धि हो रही है। महादेव आप आ गए प्रभु। पिताश्री को यहाँ ना पाकर ऋषिवर के प्राण तो पुनः क्षीण पड़ते जा रहे हैं। ऋषिवर मुझे देखिए। प्रथम पूज्य गणेश जी, महादेव कहाँ हैं? ऋषिवर मुझ पर विश्वास रखिए, आपको महादेव के दर्शन अवश्य होंगे और आप अपनी पूर्ण आयु भोगेंगे, किंतु उसके लिए आपको अपने संकल्प को पूर्ण करने हेतु जीवित रहना होगा। जब महादेव मुझसे अप्रसन्न हैं, तो ऐसे जीवित रहने से क्या लाभ? किंतु अब मैं क्लांत हो चुका हूँ। तो मैं आपको प्राणायाम की विधि स्मरण कराता हूँ, जिससे आपके जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार हो सके, और प्राणायाम से आरोह अवरोह की प्रक्रिया से व्यक्ति अपने श्वास पर नियंत्रण रख अपनी आयु एवं अपने प्राण की ऊर्जा में वृद्धि करने में समर्थ होता है। अब आप प्राणायाम का अभ्यास कर अपने प्राण को मध्यम एवं नियंत्रित गति में ले जाने का प्रयास कीजिए। ऋषिवर की नाड़ी का स्पंदन अब सामान्य गति की ओर लौट रहा है। जब तक वो इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे और अपने श्वास की गति पर नियंत्रण रखेंगे, वो इसी समाधि की अवस्था में रहेंगे। हाँ भैया, किंतु ये तो एक अस्थायी समाधान ही है, और अभी 3 दिवस शेष है। हमें पिताश्री को काशी लौटाने का उपाय भी ढूंढना है। आओ गणेश, पूजा का समय हो चुका है, हमें राजभवन लौटना चाहिए अब। हाँ भैया। आज नवरात्रि के 7th दिवस हम माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। माता कालरात्रि अर्थात माता आदि शक्ति की वो रूप जो काल अर्थात मृत्यु को अपने वश में करने में समर्थ है। इस रूप में माता संसार को स्त्री की इच्छा शक्ति का परिचय देती है और ये दर्शाती है कि स्त्री शक्ति भक्ति एवं तपोबल से अपने परिवार पर आए किसी भी संकट को दूर करने में सक्षम होती है, फिर वो संकट मृत्यु ही क्यों ना हो। किंतु माता का कालरात्रि स्वरूप अत्यंत भयंकर भी है। इनके शरीर का रंग गहन अंधकार के समान काला है, शीश के केश बिखरे हुए हैं और इनके कंठ में विद्युत समान चमकीली माला स्थित है। माता के 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड के प्रतीक के समान गोलाकार हैं। प्रत्येक नेत्र से विद्युत समान चमकीली प्रकाश किरणें प्रस्फुटित होती हैं। इनकी नासिका से श्वास प्रवाह के स्थान पर भयंकर अग्नि के समान ज्वालाएं प्रवाहित होती हैं और इनका वाहन गर्दभ है। इनके 4 हाथ हैं, दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ वर मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोह कंटक और नीचे वाले हाथ में खड़ग रहता है। माता काल रात्रि अज्ञानता रूपी बुराई का विनाश करती है और अपने भक्तों को वो शांति स्थिरता एवं साहस प्रदान करती है। स्वरूप से भयंकर प्रतीत होने वाली माता काल रात्रि की पूजा का फल सदैव शुभ होता है, इसीलिए इनका एक नाम शुंभकारी भी है।
अब तक माता के नौ रूपों की कथा में आपने जाना कि माता ने शैलपुत्री रूप में महाराज हिमावन के यहाँ जन्म लिया, फिर ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर तप कर महादेव को वर रूप में पाकर उनसे विवाह किया, फिर चंद्रघंटा रूप में घंटनाद से बुरी शक्तियों का नाश किया कैलाश और अपने स्वामी की कुशलता को सुनिश्चित किया। माता कुष्मांडा स्वरूप में माता ही संसार की प्राण शक्ति होती हैं और उनके स्मित हास्य से ब्रह्मांड का जन्म होता है। स्कंद माता रूप में माता ने कुमार कार्तिकेय एवं गणेश जी को संस्कार प्रदान किए। जिस प्रकार एक नारी अपने गृह में अनुशासन एवं समय का महत्व समय समय पर सबको ज्ञात कराती रहती है और अपने क्रियाकलापों से सभी को संचालित करती है, उसी प्रकार माता कालरात्रि हमें समय का ज्ञान देकर समय पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देकर हमें अनुशासित करती है। माता के इस स्वरूप का प्रादुर्भाव तो इस कल्प में आगे चलकर होगा और तभी संसार को माता की कथा का ज्ञान भी होगा।